हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिष्का एंड वेलकम टू माय चैनल मूड फूड विद अनिष्का। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी नहीं लाई हूं, बल्कि मैं आज आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लाई हूं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम ट्रैश समझ के या बेकार समझ के हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन इन्हीं ट्रैश से या इन्हीं बेकार की चीज़ों को हम कैसे फ्रूटफुल तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, तो आज ये टिप्स उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन टिप्स के साथ। फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप है चावलों को लेकर। हमारे पास चावल होते हैं तो हम उसे अगर भिगोएं और भीगने के बाद जो उसका पानी होता है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और चावलों को बॉईल करने के बाद बॉइल्ड वाटर निकलता है, यानी जिसे हम हिंदी में माड़ बोलते हैं, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको करीब हमें एक घंटे के लिए छोड़ देना है। चावलों को सोख किए हमें एक घंटा हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारा ट्रांसपेरेंट था पानी, वो अभी देखिए वाइट हो गया है थोड़ा कलर में। इसे तरीके से हल्के हाथों से इसे मैश करेंगे, एक स्पेक्युला की हेल्प से कलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पानी कलेक्ट हुआ है इससे आप अपने हेयर के जो रूट्स हैं उसमें आप 5 मिनट तक इस पानी से मसाज कीजिए, और उसे 15 मिनट तक अपने हेयर्स में ऐसे ही रहने दीजिए, और उसके बाद उसे आप ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके हेयर्स में एक अलग सी शाइन आ गई है। ये एक नेचुरल कंडीशनर की तरह भी काम करता है। जो राइस है उसे हमने बॉईल किया है, और इसका जो वाटर है हम कई बार इस वाटर को फेंक देते हैं, तो हम जब भी इसका वाटर ड्रेन करते हैं तो हम उस वाटर को कलेक्ट कर लें। इसको हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब ये पानी हमारा हॉट है तो इसमें हम सिंपली कोई भी आप कॉटन का कपड़ा, जैसे कि आपके कॉटन के दुपट्टे होते हैं या कॉटन के कुर्ते होते हैं, उसे आप इसमें डिप करके एक नेचुरल स्टार्च उन कपड़ों में आप लगा सकते हैं। कॉटन की शर्ट ली है यहाँ पर, मैं इसमें डिप कर रही हूँ। डिप हो गई है, अब इसे सिंपली मुझे निकाल के मैं इसे सुखा दूंगी, और सूखने के बाद आप देखिएगा, जिसे आप हिंदी में चरक बोलते हैं, जो हम अक्सर कपड़ों में लगाते हैं, जिसके लिए हम मार्केट से रिवाइव लाते हैं, तो हम वो ना लेकर हम इसे नेचुरल तरीके से हम घर पे ही आप अपने कपड़ों पे स्टार्च लगा सकते हैं। हमने जो चावल बॉईल किए थे तो जो उसका पानी निकला था उसे आप ठंडा करने के बाद आप इसे अपने स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक कॉटन पैड या कोई भी आप कॉटन ले सकते हैं, उसे आप इस तरीके से इस पे लगाकर अपने आप स्किन पे इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको 2 मिनट तक मसाज करनी है। इसको 10 मिनट्स के बाद आप पानी से वॉश कर लीजिए और स्किन को पेट ड्राई कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, जो भी आपके स्किन में ओपन पोर्स हैं वो भी क्लोज होते हैं, स्किन सॉफ्ट और क्लीन हो जाती है, और जो भी आपके स्किन में दाग धब्बे या ब्लेमिशेस हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। सर, हमारे घरों में चाय बनना बहुत कॉमन है, लेकिन उसके साथ जो हमारी चाय की पत्ती या जो टी बैग्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए वेस्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारे टी बैग्स होते हैं, स्पेशली जो हम ग्रीन टी पीते हैं तो उसके जो टी बैग्स होते हैं उसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे कि जो हमारे डार्क सर्कल्स को कम करने में, आंखों के नीचे की जो भी पफिनेस होती है उसको कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने का मैं मेथड बताती हूँ। तो आप ये ग्रीन टी बैग्स लीजिए और इनको आप 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे, और इन्हें आपको जब भी यूज़ करना हो तो अपनी आईज़ के नीचे का जो डार्क सर्कल वाला पार्ट है उस पर आप, स्पेशली ये वाला जो एरिया है उसको आप अपने डार्क सर्कल्स पर रखिए, और इसे कम से कम 15 मिनट्स तक आप अपने डार्क सर्कल्स पर रखे रहने दीजिए, और उसके बाद आप ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप इस टिप को आप 1 वीक तक यूज़ करते हैं, खुद ही देखेंगे कि आपके डार्क सर्कल्स में काफ़ी डिफ्रेंसेज आ गए हैं। इसी टी बैग्स को हम यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारे वुडन फर्नीचर्स होते हैं, अगर हमें उसे क्लीन करना है तो आप इन टी बैग्स को यूज़ करके उन्हें आप क्लीन कर सकते हैं और उनमें नई सी चमक आ जाएगी। सर, ऐसा होता है कि हमें किचन में काम करते हुए छोटी मोटी चोट लग जाती है या हमारे स्किन से ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसके लिए भी हम टी बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम स्पेशली ब्लैक टी जो होती है उसके टी बैग्स हम यूज़ करेंगे। तो जो भी हमारी स्किन में अगर हमारा कहीं कट लग गया है तो इंस्टेंट अगर आप ब्लैक टी के जो टी बैग्स हैं, अगर आप उसे स्किन पे जहां पर भी आपको कट लगा है वहां 30 सेकंड रखकर आप उसे प्रेस कीजिए, तो जो भी आपके ब्लड वेसल्स हैं
वो श्रिंक हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो जल्दी ही रुक जाती है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि गर्मियों के दिनों में या बरसात के दिनों में या नॉर्मली भी हमारे शूज़ से काफ़ी स्मेल आ जाती है, तो उसकी स्मेल को हटाने के लिए हमें सिंपली जो भी हमारे यूज की बैग्स हैं उन्हें अगर हम शूज़ में रख के छोड़ दें तो ये सारी स्मेल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो आपकी बची हुई चाय की पत्ती है, इसे आप अच्छे से वॉश करने के बाद अगर आप इसे अपने प्लांट्स में यूज़ करते हैं तो ये एज अ फर्टिलाइज़र, जिसे हम खाद भी बोलते हैं, उसकी तरह यूज़ होता है। स्पेशली आपके जो भी मनी प्लांट्स हैं या जो रोज़ प्लांट्स हैं, अगर आप उसमें इसे यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। हमारी यूज़ की हुई टी लीव्स थी, उन्हें मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके मैंने एक क्लीन वाटर में डाल दिया है और वो वाटर मैंने पैन पे रखा है, इसे मैं रीबॉइल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैरों से काफ़ी स्मेल आने लगती है, तो पैरों की स्मेल को हटाने के लिए इसे आप हल्का सा गरम गरम पानी से आप अपने पैरों को वॉश कीजिए, तो जो आपके पैरों की जो स्मेल होती है जो सोप से वॉश करने के बाद भी नहीं जाती, आप देखेंगे कि इस पानी से आप अगर अपने पैरों को वॉश करते हैं तो वो स्मेल बिल्कुल चली जाएगी। आप चाहें तो इस पानी में जो आपके काबुली छोले होते हैं या चने होते हैं, जो इसे हम छोले भटूरों के लिए यूज़ करते हैं अक्सर, तो उसको भी आप इस पानी में बॉईल कर सकते हैं। इसे बॉईल करने से इसमें सिर्फ उसका कलर ही नहीं, उसका टेस्ट भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ऑरेंजेस के पील या ऑरेंजेस के छिलके, जिनको हम बिल्कुल ही फेंक देते हैं, लेकिन इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे फ्रेश पील्स हैं उसको मैंने एक या दो दिन सुखा लिया था, तो वो सूखने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। सुखाने के बाद मैंने इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ग्राइंड करने के बाद इनका ये पाउडर बन गया है और इस पाउडर को हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं फेस पैक बनाने के लिए। ये जो हमारा ऑरेंज पील का जो पाउडर है, मैंने एक स्पून ये लिया है और एक स्पून मैंने इसमें बेसन डाला है और एक पिंच मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और इसे पेस्ट बनाने के लिए मैं इसमें योगर्ट ऐड कर रही हूँ। हनी इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हाफ टी स्पून के करीब मैं हनी ऐड कर रही हूँ। देखिए, हमारा ये फेस पैक तैयार है। इसे हम उपटन भी बोलते हैं और इसे आप अपने स्किन पर लगाइए और ये आपके स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप ये जो ड्राई आपके पील्स हैं, आप इस तरीके का कोई भी एक नेट का पाउच ले लीजिए, आप इन्हें नेट के पाउच में आप इन्हें रख दीजिए। ये एक डियोड्राइजर की तरह काम करता है, तो जो भी आपकी कपड़ों की ड्रॉर हो वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सी और फ्रूटी सी स्मेल आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शूज़ में से काफ़ी स्मेल आ जाती है, काफ़ी गंदी सी स्मेल आती है, तो उसमें इस पाउच को आप रख के छोड़ दीजिए, तो ये सारी ही जो गंदी स्मेल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फ्रेंड्स, कई बार हम लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं या कई बार हम लोग बाहर जाते हैं और हम लोग अपना मॉस्किटो रेपेलेंट ले जाना भूल जाते हैं, तो अगर आपके पास ऑरेंजेस हैं तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली इसका जो पील है, उसका जो ये नीचे वाला पार्ट है, इसको आपको अपनी स्किन पर रब करना है और इसको रब करने से जो भी इसका सिट्रस जो जूस होता है, जो स्मेल होती है, इसकी वजह से मॉस्किटोज आपको नहीं बाइट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑरेंज का हम एक बहुत ही अच्छा ऑल पर्पज़ क्लीनर भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये है कि जो भी हमारे ऑरेंजेस के पील हैं उसे हम एक किसी भी आप कांच के कंटेनर में डाल दीजिए, वाइट विनेगर आप इसमें ऐड कर दीजिए, एक वीक तक इसे कवर करके रख कर छोड़ दीजिए, इसे आप ऑल पर्पज़ क्लीनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो ये पील होता है ये स्पॉन्ज की तरह भी काम करता है, तो आपका जो भी काउंटर टॉप होता है या जो गैस टॉप होता है, अगर उसमें आपकी जो भी गंदगी है तो भी आप इसे इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स रब कीजिए और ये आपकी काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर देता है और जो भी आपके सर्विस पे ऑयलीनेस होती है उसको भी ये डिक्रीज कर देता है। फ्रेंड्स, इसका जो जेस्ट होता है, जो ऑरेंज पील के उसे अगर हम ग्रेट करें तो उसका जो जेस्ट निकलता है उसे हम किसी भी सैलड, स्मूदीज, डेजर्ट्स या योगर्ट्स पे अगर हम ऐड करते हैं तो ये ना कि सिर्फ फ्लेवर बल्कि बहुत अच्छा अरोमा भी देता है हमारी डिश को। और इस जेस्ट से हम बहुत ही अच्छा बॉडी स्क्रबर बना सकते हैं नेचुरल तरीके से घर पर ही, और इसके लिए हमें शुगर, एक कोकोनट ऑयल, तो मैं सिंपली कोकोनट ऑयल में शुगर ऐड कर रही हूँ, ऑरेंज का जो जेस्ट है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, नेचुरल
बॉडी स्क्रबर रेडी है आपका घर पर। फ्रेंड्स, इन ऑरेंज की पील की हम बहुत अच्छी ऑरेंज टी भी बना सकते हैं, और इसके लिए हमें कोई भी एडिशनल टी बैग्स की ज़रूरत नहीं है। हम आप अपने कप में आप हॉट वाटर ले लीजिए, ये जो ड्राइड पील्स हैं इसको आप ऐड करके इसे आप कम से कम 5 मिनट के लिए रख दीजिए। 5 मिनट बाद हमारे वाटर ने कलर चेंज कर दिया है और ये हल्का सा ऑरेंज हो गया है, और ये टी हमारी रेडी है। आप इसे चाहें तो ऐसे भी पी सकते हैं, या आप इसमें चाहें तो हनी ऐड कर सकते हैं, या आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेस रिलीवर है, आपकी सारी थकान मिटा देगी। और फ्रेंड्स, इस पील को आप अपने नहाने के पानी में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये आपके नहाने में एक फ्रेशनेस लाता है, एक बहुत ही अच्छी सी जूसी सी स्मेल होती है, जिससे आपकी जो भी थकान होती है वो भी आपको उसमें आराम देता है और आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। और इसको और मज़ेदार बनाने के लिए इसे आप किसी भी अच्छी सी ब्यूटीफुल सी शेप में आप इसे कट कर लीजिए, किसी भी अच्छे कैरेक्टर्स में आप कट कर सकते हैं, और इसे आप इस तरीके से आप ऐड कर दीजिए अपने जो भी नहाने का आपका जो भी पानी है, और उसमें आप डालकर इसे वार्म वाटर में छोड़ दीजिए, और थोड़ी देर बाद आप इसे नहाइए तो आपको बहुत फ्रेशनेस फील होगी। इसका जो पील है इसे आप अपने टीथ को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमें करना ये है कि ये वाला जो पार्ट है इसे अपने टीथ के ऊपर लगा कर आप 15 मिनट के लिए अपने टीथ पर रखकर छोड़ दीजिए, और ऐसा आप अगर 2 वीक्स तक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके टीथ में जो भी येलोनेस है वो सब चली जाएगी। ऑरेंज के पील की हम ऑरेंज कैंडल भी बना सकते हैं। इसको हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं एक शार्प नाइफ की हेल्प से, और इसे इस तरीके से हम कर पील में जो ये बीच का पार्ट है ये हमारी विक बन जाएगा कैंडल की। कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। लाइटन करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेता है लाइट होने में, अबाउट 30 सेकेंड। फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मैंने ऊपर से इसे कवर कर दिया है, थोड़ा सा एक स्टार शेप का मैंने कट करके ऊपर से इसका कवर कर दिया है। इससे हमें बहुत ही अच्छा एरोमा भी मिलेगा। हमारे घरों में ब्रेड के हम बहुत सारे स्नैक्स खाते हैं, लेकिन ब्रेड का जो ऊपर का या नीचे का जो पीस होता है, और स्पेशली कई बार हम इस तरह के कटलेट्स बनाते हैं जिसमें हमारे ये एजेस बच जाते हैं, तो ये हमारे लिए वेस्ट होते हैं, इनको हम अक्सर फेंक देते हैं। आज इन्हीं ब्रेड से आप चाहें तो इसके बहुत ही टेस्टी ब्रेड स्पिनच लॉलीपॉप्स बना सकते हैं, या फिर ब्रेड पोहे में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन ब्रेड्स के आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, और इसकी अगर आपको रेसिपी देखनी है ब्रेड क्रम्स की या ब्रेड स्पिनच लॉलीपॉप्स की, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इसका लिंक आपको मेरी एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इन यूजफुल चीज़ों को बेकार समझ के ट्रैश नहीं करेंगे, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, ये टिप्स मेरी पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसे आप अपने सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ वो जो छोटू सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उसे आप अगर प्रेस करते हैं तो जो भी मेरा नोटिफिकेशन होगा आप उससे अपडेट हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।